तो दोस्तों आज हम लोग रियल टेस्टिंग करने वाले हैं एसीएन के सबसे लेटेस्ट आर्टिकल अर्बन 03 की। तो ये आर्टिकल है हम लोग के सामने, ये देखिए, और ये जूता है। और अगर इसके अनबॉक्सिंग का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस जूते को पहनेंगे और पहनने में ये जूता लुक वाइज कैसा दिख रहा है, इसकी ग्रिपिंग कैसी है और जो भी एक्सपीरियंस होगा वो हम लोग शेयर करेंगे। और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल टेस्टिंग। तो चलिए अब इस जूते को पहन के इसकी रियल टेस्टिंग करते हैं। मेरा पैर 9 नंबर का है और मैं 8 नंबर के स्नीकर्स को ट्राई कर रहा हूँ, तो देखता हूँ ये कैसा मुझको आता है। आठ नंबर होने की वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, मेरा पैर जा नहीं रहा है, तो भी मैं इस जूते को ट्राई करता हूँ। नहीं तो आप अब इस जूते को देखिए, हम लोग ने पहना तो इससे मुझे पता चला कि ये जूता जैसे आपका जो पेयर है 8 नंबर का है तो 8 ही नंबर लगेगा और 9 नंबर है तो 9 ही नंबर लगेगा, क्योंकि ये जूता मुझे यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ है। जैसे स्पोर्ट्स शूज़ का जब भी मैं एशियन का अनबॉक्सिंग वो रियल टेस्टिंग करता हूँ तो 8 नंबर से ही मोस्टली मैं करता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है होती, लेकिन इस जूते में यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। तो मेरा साइज़ 9 नंबर था लेकिन मैं 8 नंबर के जूते को ट्राई कर रहा हूँ, तो सच मानिए अंदर से बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्द फील हो रहा है, यहाँ पे चारों तरफ से जूते को पकड़ लिया है। हम जब भी आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनेंगे तो उसका अपर का जो मटेरियल होता है वो मेस का होता है, यानी स्ट्रेचेबल होता है, तो आपका अगर एक नंबर छोटा भी ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। बट स्नीकर्स जो होते हैं वो अपर मटेरियल जो होता है वो लेदर का होता है, जिसके वजह से वो कहीं फैल ही नहीं सकता और जो सारा प्रेशर है वो आपके पैरों पर आ रहा है। इसका मतलब जब भी आप जूते लीजिएगा तो ट्राई करके ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो मेरे जैसे आप भी इसमें फंस जाएंगे, आपको भी इसमें दर्द फील होगा। चलिए अब इस जूते के हम लोग ग्रिपिंग को टेस्ट करते हैं। ग्रिपिंग आप देखेंगे तो बहुत कम मिल रहा है और इतना ग्रिपिंग या ग्रिपिंग नहीं मिलना स्नीकर शूज़ में होता ही है, क्योंकि इसका जो सोल होता है उसमें ज़्यादातर ईवा का ही यूज होता है। और स्नीकर्स ये भी नहीं कि लोग स्नीकर्स पहन के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहते हैं, इसके वजह से इसमें ग्रिपिंग आप एक्सपेक्ट बहुत कम करिएगा कि इसमें ग्रिपिंग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जैसा मैंने अभी बताया ही कि अपर का जो मटेरियल है वो पूरा मटेरियल आपका लेदर का बना है, तो ब्रीदेबल भी इसमें थोड़ा बहुत कम रहेगा। बाकी इस जूते का लुक नहीं देखा तो लुक देखिए, लुक वाइज ये जूता बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो चलिए अभी जूते के हम लोग फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। जूते को पहन के हम लोग ने इसकी रियल टेस्टिंग कर ली, ग्रिपिंग को टेस्ट कर लिया और पहनने का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा, जैसे मेरा साइज ये देखिए, इस जूते का साइज 8 है और मेरा साइज पैर का 9 नंबर है, तो नीचे से बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे ये जूता दे रहा है, वो मेरी गलती है क्योंकि मैंने एक छोटा साइज इसमें ट्राई किया है। तो सबसे पहले जब भी आप जूता लीजिएगा तो ट्राई करके ज़रूर लीजिएगा, ये मेरा सजेशन रहेगा। दूसरा, प्राइसिंग वाइज 2000 MRP है, 1000 रुपये के आसपास ये जूता आ जाएगा। 1000 रुपये में आपको एक अच्छा जूता मिलेगा, टिकाऊ जूता मिलेगा, लुक वाइज भी ये जूता अच्छा है। और जैसा स्नीकर्स जूतों में होता है कि इसकी जो ग्रिपिंग है और जो ब्रीदेबल क्वालिटी है वो थोड़ा कम रहता है, अगर इतने से आप संतुष्ट होंगे तो ये जूता आप परचेस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस एशियन के अर्बन 03 स्नीकर शूज़ की रियल टेस्टिंग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।